नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, दसवीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आप सब जानते हैं, फिर भी बताती हूँ, मेरा नाम है जागृति बहन। मैं जैन मेहता हाईस्कूल में हिंदी शिक्षक हूँ। आज मैं आपको हमारी दसवीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में पहली कविता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मुझे आशा है आप सब इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। पहली कविता का शीर्षक है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस कविता के कवि का नाम है रैदास। पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय पा लेते हैं। संत कवि रैदास कबीर जी के समकालीन संत माने जाते हैं। कबीर जी को आप सब जानते हैं क्योंकि आपने कबीर जी को नौवीं कक्षा में पढ़ा है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामदास जी के शिष्यों में से एक थे। वो काशी में रहते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्तों और भगवान के अटूट संबंध को की पुष्टि को अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में उन्होंने 200 से भी अधिक पद लिखे हैं। यहाँ जो हमारा जो प्रथम कविता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद में संत रैदास ने भगवान और भक्त दोनों के बीच के संबंध को प्रकट किया है। अपने आप को तुच्छ बताया और भगवान को श्रेष्ठ बताया, यही भक्ति की चरम सीमा है। यहाँ रैदास ने आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता का वर्णित किया है। काव्य का मैं पठन करती हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही लत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। यहाँ पर इस पद में भगवान को रैदास जी बताते हैं कि हे भगवान, तुम हमारे सब कुछ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मैं तो एक सामान्य हूँ। हे भगवान, अगर आप चंदन है तो हम पानी है, क्योंकि चंदन को घिसने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। भगवान है वो श्रेष्ठ है और पानी चंदन में समा जाता है। जाकी अंग अंग बास समानी, भगवान चंदन है। आप सब जानते हैं कि चंदन का जो गुण है वो शीतलता है। शीतलता के लिए चंदन है वो जग भर में जाना जाता है। तो जिसकी बास सुगंध अंग अंग में समा जाती है, कहने का मतलब यह है कि भगवान और भक्त दोनों एकमेक में मिल जाते हैं। भगवान और भक्त दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरी पंक्ति है प्रभु जी तुम घन हो तो हम मोरा। आजकल बारिश की ऋतु चल रही है, इसीलिए घन यानी बादल। प्रभु जी आप बादल है तो हम मोरा। हम सब जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसे बादल बहुत पसंद है। वो बारिश की ऋतु में छम छम करके नाचता रहता है, उसे बहुत पसंद है। इसीलिए भगवान को कवि रैदास जी कहते हैं कि भगवान आप तो घन है और हम मोरा है। घन को देखकर मोर थन थन नाचने लगता है, इसीलिए क्योंकि मोर को बादल ज़्यादा पसंद है। इसीलिए यह उपमा दी है कवि रैदास जी ने कि हे प्रभु जी तुम घन हो तो हम है मोरा, जैसे
चितवत चंद चकोरा। इस प्रकार से इस कविता में भगवान और भक्त की अटूट संबंध को इस काव्य में दर्शाया गया है। विद्यार्थी मित्र, आज हम इतना ही करेंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि आपको जब मैं दूसरा भाग इस कविता का आपको पढ़ाऊँगी ऑनलाइन माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तब तक आपको मैं एक होमवर्क देती हूँ, वो आपको सबको मुझे वापस देना है। और जो शब्दार्थ है वो सब आपको लिखना है। और इस प्रकार से आप अगला में, दूसरा भाग में बाद में बताऊंगी। नमस्ते।